हाय एवरीवन, सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। सो इट सेज द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स शोन इन फिगर इज 50 नैनोफैरेड। अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड ऑन द मिडिल प्लेट, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट्स। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन प्लेट्स दे रखी है। आप देखो, तीन प्लेट्स हो सकती है, चार हो सकती है, दस हो सकती है। जो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर है वो सेम रहता है ना, एन नंबर ऑफ प्लेट्स हो सकती है, बट यहाँ पे तीन प्लेट्स दे रखी है। सो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। अगर तीन प्लेट्स है देन सरफेस कितनी होंगी, सिक्स। लाइक एक प्लेट की दो सरफेस, ये फर्स्ट वाली, ये सेकेंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस, ये फोर्थ सरफेस, ये फिफ्थ सरफेस और ये सिक्स्थ सरफेस। नाउ लेट्स से फर्स्ट प्लेट को हमने चार्ज Q1 दे दिया, सेकंड प्लेट को चार्ज हमने Q2 दे दिया, थर्ड प्लेट को चार्ज हमने Q3 दे दिया। मैं जनरलाइज्ड वे में बता रहा हूँ। लाइक इस क्वेश्चन के लिए Q1 की वैल्यू 0 है और Q3 की वैल्यू भी 0 है। आपने कोई चार्ज नहीं दिया है फर्स्ट और थर्ड प्लेट को, और Q2 की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रो कूलम है, राइट। नाउ सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि जो सरफेसेस है उन पे कितना चार्ज आएगा, ये जो सिक्स सरफेसेस है इन पे कितना चार्ज आएगा इंडिविजुअली। सो जो आउटर मोस्ट सरफेसेस होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट वन है और जो सिक्स्थ वन है, आउटर मोस्ट सरफेसेस, उन पे इक्वल चार्ज आता है, जिसका वैल्यू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। लाइक अगर चार प्लेट्स होती देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और उसका आधा। टोटल चार्ज गिवन टू ऑल द प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2, समेशन ऑफ चार्जेस गिवन टू ऑल द प्लेट्स, उनको सम करो और उसका आधा ले लो। सो वो चार्ज आता है आउटर मोस्ट सरफेसेस पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन और सिक्स्थ वन है, राइट। सो Q1 की वैल्यू 0 है, Q2 की वैल्यू 1 है और Q3 की वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे निकल के आ रहा है 1/2। सो फर्स्ट वाली सरफेस पे हाफ माइक्रो कूलम का चार्ज है और सिक्स्थ वाली पे भी हाफ माइक्रो कूलम का चार्ज है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो सेकेंड वाली सरफेस है उस पर कैसे चार्ज निकालोगे, चार्ज कंजर्वेशन से। आप देखो, फर्स्ट वाली सरफेस पे हाफ माइक्रो कूलम है, सो सेकेंड वाली सरफेस पे माइनस हाफ माइक्रो कूलम होना चाहिए, सो दैट फर्स्ट वाली प्लेट का जो टोटल चार्ज है वो जीरो रहेगा, है ना। Q1 की वैल्यू कितनी है, 0। सो टोटल चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट शुड बी 0। सो दैट्स वाई समेशन ऑफ द चार्जेस ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेसेस शुड बी 0। नाउ थर्ड सरफेस का चार्ज कैसे निकालोगे, देखो जो आमने सामने वाली सरफेसेस होती है ना, जैसे सेकेंड और थर्ड आमने सामने एक दूसरे के, राइट। सो उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। अब सेकेंड पे कितना, सेकेंड सरफेस पे कितना है, माइनस हाफ माइक्रो कूलम। सो थर्ड पे कितना होगा, प्लस का हाफ माइक्रो कूलम। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है आमने सामने वाली सरफेसेस पे। अब फोर्थ सरफेस पे चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज कंजर्वेशन से। आप देखो, थर्ड वाली सरफेस पे हाफ माइक्रो कूलम है, सो फोर्थ वाली सरफेस पे होगा हाफ माइक्रो कूलम, सो दैट जो टोटल चार्ज है सेकेंड वाली प्लेट पे वो कितना होना चाहिए, 1 माइक्रो कूलम, है ना। सो समेशन ऑफ द चार्जेस ऑन थर्ड एंड फोर्थ सरफेस इज इक्वल टू Q2 विच इज 1 माइक्रो कूलम, चार्ज कंजर्वेशन ऑन सेकेंड प्लेट। नाउ फिफ्थ वाली जो सरफेस है वो तो फोर के सामने है ना, सो फोर और फाइव इस सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। अगर फोर पे हाफ माइक्रो कूलम है देन फिफ्थ पे माइनस हाफ माइक्रो कूलम होगा, और आप देखो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फिफ्थ और सिक्स्थ सरफेस को अगर आप, फिफ्थ और सिक्स्थ सरफेस के चार्ज को आप ऐड करोगे, सो वो अपने आप जीरो आ रहा है ना, चार्ज कंजर्वेशन अपने आप वैलिड हो रहा है फॉर द थर्ड प्लेट। एक बार आपके पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, देन आपको कैपेसिटेंस भी दे रखा है, कितने कैपेसिटर बनेंगे। अगर तीन प्लेट्स हैं देन दो कैपेसिटर बनेंगे। आप देखो, एक कैपेसिटर ये बन गया C1 और एक कैपेसिटर ये बन गया C2। इसमें आपको इक्वल दे रखे हैं 50 नैनो फैरेड और 50 नैनो फैरेड, ये दे रखा है। तो उसने पूछा है कि जो फर्स्ट और सेकेंड वाली प्लेट है उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। फर्स्ट वाली सरफेस पे चार्ज पूछ रहा था, दैट इज हाफ माइक्रो कूलम, राइट। नाउ आप देखो कि जो C1 है, है ना, C1 है जो कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है 50 नैनो फेरेड और उस पे जो चार्ज है वो कितना है, हाफ माइक्रो कूलम, है ना। आप देखो, माइनस हाफ माइक्रो कूलम और हाफ माइक्रो कूलम।
सो जो क्यू है दैट इज हाफ माइक्रो कूलम, एंड जो कैपेसिटेंस है फर्स्ट कैपेसिटर का वो है 50 नैनो फेरेड. सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C. सो दिस विल बी, Q की वैल्यू कितनी है, 0.5 माइक्रो कूलम, राइट, हाफ माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है, 50 नैनो फेरेड. सो इसको सॉल्व करो, 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9. लाइक माइक्रो मीन्स 10 रेज टू द पावर माइनस 6 और नैनो मीन्स 10 रेज टू द पावर माइनस 9. सो ये वोल्टेज आपका ऐसा यूनिट में आ जाएगा विच इज वोल्ट. सो ये माइनस 9 ऊपर जाके प्लस 9 हो जाएगा. सो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 50. सो ये हो जाएगा कितना, 500 डिवाइडेड बाई 50, यू कैन से 10 वोल्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक. बाय.